हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि वो कहाँ पे बनवाना है, कैसा बनवाना है ताकि वो कॉलेज में वैलिड रहे। सबको पता है कि डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के अलॉटेड कॉलेज में जब एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनवाने में। मैं आपको सभी प्रोसेस क्विकली बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले कि कहाँ पर बनवाना है, आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जा करके बनवा सकते हैं। जो भी डॉक्टर है, चाहे वो MBBS हो, BMS हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी डॉक्टर जिसके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है मेडिकल प्रैक्टिस करने का, उसके पास से आप बनवा सकते हैं। या आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा करके भी इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मैं एक जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है उसका मैं एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। उस फॉर्मेट को मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और यूट्यूब कम्युनिटी में भी डाल दूंगा। वहाँ से आप उसको लेकर के एज इट इज़ आप प्रिंट करवा लेना A4 साइज के पेपर में, और उसको ले जा करके सेम टू सेम उस पेज पे 6 पॉइंट दिए हैं, वो टेस्ट बस नेगेटिव आने चाहिए। जो भी कैंडिडेट है जो एडमिशन लेने जा रहा है, वो चीज़ बस उस डॉक्टर को नेगेटिव प्रूव कर देना है यानी कि एबसेंट है। और लास्ट में उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और अपना सील यानी कि मोहर लगा करके वो दे देंगे। वही आपका सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस होगा और वही आप कॉलेज में किसी में भी ले जा करके सबमिट कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को बनवाने में ओनली 20 to 30 मिनट्स ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, जब भी आप कॉलेज में जा रहे हो रिपोर्टिंग करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, तो इस सर्टिफिकेट को लेकर के ही जाना। ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है क्योंकि वहाँ पर फिर आपको कॉलेज में प्रॉब्लम हो जाएगा इस सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको ले करके ही जाना है। ये वीडियो यहीं तक, थैंक यू सो मच।